लेकिन वो चीज़ें जो पेपर में आई हैं और थोड़ी अनोखी चीज़ें, अनोखी इसलिए कि इतनी कॉमन नहीं है और बहरहाल पेपर में आ चुकी हैं, तो आई उनको डिस्कस करते हैं। देखो, एक चीज़ होती है इंटेंसिटी ऑफ वेव, जो कि होती है एनर्जी डिवाइड बाय एरिया इनटू टाइम। तो इसका फार्मूला भी पूछा जा चुका है, इसमें न्यूमेरिकल भी है, यानी जैसे कि एनर्जी 30 जूल दे दी है, एरिया 8 मीटर स्क्वायर, टाइम 4 सेकेंड, और आपसे कह रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ वेव निकालना। और एक और बड़ी अहम चीज़, डायमेंशन। देखो, एनर्जी वो चीज़ है, 4-5 डायमेंशन जो याद होनी चाहिए, जो बार बार मैं रिपीट करता हूँ, जिनमें से एनर्जी की ML² T-2, एरिया की तो बहुत आसान है, लेंथ स्क्वायर T हो जाएगी। तो इसकी मदद से इंटेंसिटी ऑफ वेव की डायमेंशन भी आ जाएगी, MT-3। एनर्जी और वोल्टेज, ये वो चंद ऐसी डायमेंशन है, और फोर्स जो आपको याद होनी चाहिए कोई भी डायमेंशन निकालने के लिए। अच्छा, अब एक यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट होता है PV=nRT वाला, इसकी डायमेंशन भी अक्सर पूछ लेते हैं, ML² T-3। अब कैपेसिटेंस की निकालनी है, तो देखो कैपेसिटेंस की निकलेगी चार्ज अपॉन वोल्टेज, चार्ज की AT, पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज भी एनर्जी की तरह से है, यानी वो डायमेंशन जो याद होनी चाहिए दूसरों के लिए, उनमें एक एनर्जी की और एक V, पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, ये होता है ML² T-3 A-1। तो इसकी मदद से हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ वेव आ जाएगी, M-1 L-2 T-4 A². अब दो चीज़ों का फ़र्क देख लो, एक होता है इम्पल्स, इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम, और एक होता है एंगुलर इम्पल्स, जो कि होता है टॉर्क इनटू टाइम। जहाँ एंगुलर की बात आए, तो हमेशा फोर्स की जगह क्या ले लेता है, टॉर्क ले लेता है, ध्यान में रखना है।